करता हूँ अगले हफ्ते के हवाले से कि कैसे हालात आ रहे हैं। तो जितने नौजवान हमले अफराद हैं वो पूरा हफ्ता मुझे लगता है रवानी मामला में उलझे पड़े हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, अपने ख्यालात का रवानी खबर इजहार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये वाजिया बात हमले अफराद को बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपना खतरा भूल रहे हैं। तो हमले अफराद को पहले जो माजी की जिंदगी है उस पर गौर करें, उसको अच्छी तरह समझें कि मैं क्या कर चुका हूँ या क्या कर चुकी हूँ, वो क्या मामलात हैं जिनसे मैंने सबक सीखा है, उनको जेब में रख कर ये फैसला करें, क्योंकि कोई नया शख्स आया हुआ है। ठीक, ये हमले अफराद दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक हो गया प्रोफेसर। वो 10 मई को अतारत जो है वो रेट्रोगेट हो जाएगा, अतारत जरूर जो आ जाएगी। तो जहाँ तक हमले अफराद का तरीका शुरू जो आने से उनको अपने कई मामलात में रुकावट महसूस होगी, और मुझे ऐसा लगता है रेट्रोगेशन की वजह से हमली अफराद किसी गलत आदमी से तलक पैदा कर रहे हैं, गलत आदमी से रब्ता कर रहे हैं। ये रोमानवी तौर पर नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। तो ये जो उनका रब्ता हो रहा है किसी शख्स से, इस रास्ते से वो मुतात रहे और किसी से इस हफ्ते मुआयदा ना करें। अगर वो मुआयदा करेंगे तो इस मुआयदे के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। ठीक। अब आपको कैरियर के हवाले से आप नुमाया हसीियत इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको हालात ऐसे बन रहे हैं, यूरेनस और सूर्य का किरण होगा। अच्छा। इस किरण के वजह से आपको कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। इस तरह का फैसला कारोबारी जाती जो भी आ रहा है वो आपको करना पड़ेगा। इन प्लैनेट के आपस में किरण करने से आपको यहाँ पर इतना दबाव पड़ेगा कि आपको फैसला या तो कराया जाएगा या करना पड़ेगा, या आप खुद कहेंगे कि सिवाय फैसला करने के और कुछ सूरत है ही नहीं। पॉजिटिव फैसला हो सकता है या फिर मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, मैं बताऊं। आप आता हूँ मैं सौर की तरफ। जी जी, आधे टॉरस की तरफ आते हैं। मैं सौर की तरफ, और इसे हम अंग्रेजी में टॉरस कहते हैं। जी जी। आपका कोई बहुत पुराना तलक है उससे मुलाकात हो रही है और वो आपकी मदद करता नजर आता है। सौर साहब को घरेलू जिंदगी जो है आपकी, इसमें कोई नया कदम उठाते हुए नजर आते हैं। नया घर हो सकता है, घर की रेनोवेशन हो सकती है, घर से मुतल्लिक मामलात हो सकते हैं, जायदाद से मामलात जो है वो सामने आ सकते हैं। ठीक। और ये आपको सूर्य ग्रहण जैसे लगा है उस दिन से आपको ये वाजे हो गया कि घरेलू जिंदगी में मुझे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक हो गया। अब तब्दीली के वक्त आ गया। सॉरी हजरात को अतारत की रुझत हो रही है जैसे मैंने आपको बताया है, जिससे आपको किसी माली मसले को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आपने तवज्जो ना दी तो आपके लिए माली मामलात पेचीदगी का बात बन सकती है, यखा मखा की आपको रुकावट आएगी। और उसके बाद बारहवें खाने में आपका आपका वीनस जो है मोहब्बत का सितारा, वो बारहवें खाने में है। आप अपने मोहब्बत के मामले में बहुत ज्यादा एहतियात करें और इस रात को राज ही रहने दें। ऐसे ही एहतियात करें कि किसी को पता ना चले। ऐसी मोहब्बत का जो राज में रहे क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का। चले, हमने प्लानेट बताने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने मशवरे थोड़ी देने। अब मैं आता हूँ ज्योति हजरात की। जी जी, आ जाए। तो आपको जो आपका कोई बहुत ही करीबी तलक है उसके मुतालिक आपको बिल्कुल वाजह हो जाएगा कि मुझे धोखा दिया गया है, मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपको सूरत हाल मजीद वाजह होने की होगी। एक और आपका कोई तलक है उसके हालात उलझे हुए हैं, आप उसको मशवरा देंगे लेकिन वो आपके मशवरे पर नहीं चलेगा। अच्छा। आप अपनी तरफ से मशवरा दीजिए लेकिन अगर वो एहतियात नहीं करता या नहीं करती तो फिर आप चुप रहें। उसके बाद जो अतारत जो है वो आपका अपने खाने में रेट्रोगेट हो रहा है, जो अतारत है मरकरी है वो आपके अपने खाने में रेट्रोगेट हो रहा है। तो आपके जो जाती मामलात हैं, जाती मसाइल हैं, इनमें आप महसूस करेंगे कि खाम खा की रुकावटें फिर हो गई हैं। और ये आगे खास तौर पर 18 दिन ऐसा रहे, बल्कि आगे चलकर इसमें बहुत लंबा चक्कर है, वो बाद में हम इंशाल्लाह हर प्रोग्राम के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। आपकी रोमानी जो जिंदगी है, रोमानवी जिंदगी, उसमें बहुत तेजी आ रही है। ठीक हो गया। और उस तेजी में ये है कि आपको जरा सोच समझ से काम लें, ऐसा ना हो कि आप फिसल जाएं। आप ये जो पेशावराना मामलात हैं, जो आप काम करते हैं जोजी हजरात, उनको आप अपने हाथ में ले लेंगे, खुदादी बढ़ जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं आता हूँ सरतान की तरफ। आपका कोई जाती तलक है किसी के साथ, आपका बहुत ज्यादा तलक पहले से चला है, उस तलक से आपको बहुत ज्यादा फायदे इस हफ्ते में होने वाले हैं। ठीक हो गया। आपको सोमवार मंगल के दिन माली मामला में कोई कदम उठाना पड़ेगा। अतारत की जैसे मैंने पहले जिक्र करता चला आ रहा हूँ, अतारत रेट्रोगेट हो गया, उसमें रजत आ गई है, बजाय आगे चलने के अतारत से आ रहा पीछे की तरफ चल पड़े। तो अतारत से आ रहा जब पीछे की तरफ चलता है तो मामला में रुकावट आती है। ये पीछे की तरफ क्यों? और जो जो बिजली के बिजली से तल्लक रखने वाले मामला है वो इंसान को, जैसे टीवी है बिजली से चलता है, जैसे कि इंटरनेट है, बिल्कुल। तो जितने भी बिजली से मुतल्लिक मामलात है इसमें खास तौर पर आपको खरीदारी नहीं करनी होगी। अच्छा, समझ आ गई। अगर आप खरीदारी करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि ये मामला नक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, या दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो अतारत जो है आपको मुताद करता नजर आ रहा है और खासतौर पर
ये जो है आप सरतानी अफराद इनके माली मामला में ये लगा अच्छा इनके बारहवें खाने में लग रहा है अच्छा तो इनको ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। कब तक रहेगा बारहवें खाने में? ये बहुत ज्यादा आगे लंबा चढ़ा तो हर प्रोग्राम में आने वाले कई हफ्तों में हमें ये बात करनी पड़ेगी बतानी पड़ेगी। और ये जो बारहवें खाने में इसकी उर्वरत आ रही है सरतानी हजरात आप अपने तलकात में बहुत ज्यादा मुताद हो जाए आपके ये बारहवें खाने में लग रहे हैं तो आपके ये ऐसे खाने में लग रहा है जिसमें आपके जो मख्फी दुश्मन है तो फकरात के जो मामला ये सब उन पर लग रहा है तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी अपने दुश्मनों से और अपने तलकात में खास तौर पर सोच समझ कर आगे बढ़े तलकात में। अब आ जाए असद की तरफ। अब मैं आता हूँ असद की तरफ। जी जी बिल्कुल। शुरू में ही हफ्ता के पहले दिनों में ही आप जो है अपने मनसूबे में पेशेवराना तौर पर जो मनसूबे बना रहे हैं आप उसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा गुड। उसके बाद आपकी शुरू में ही सोम मंगल को किसी नहायत ही दिलचस्प शख्स से आपकी मुलाकात हो रही है या मुलाकात का मौका बनेगा। अब आप ये ना सोचें कि वो शख्स दोबारा भी आपसे रब्ता करेगा। अगर आप इस तल्लुक को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रब्ता करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करें, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लियो हजरात जो है वो हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरे लोग इनिशिएटिव लें, उनमें कोई गरूर होता है, अना का मसला होता है, क्यों होता है लेकिन ये प्लानिटी का ऐसा होता है। अच्छा, तो ये जो जितने भी लियो हजरात है ऐसे हजरात है उनको इस शख्स के साथ तलकात बढ़ाने के लिए खुद कदम उठाना पड़ेगा। वही फिर बात आ गई जोजा में अतारत का जो रुजुत आ रही है तो बहुत ही पुराना दोस्त है वो दोबारा बात वो हो चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी, तलब जो है वो फुसफुस हो गया था, वो दोबारा रब्ता करेगा। जो गैर शादीशुदा असली हजरात हैं उनकी जिंदगी में कोई नया रोमांस आ रहा है। अच्छा माजी में ये बात आप जरा गौर से सुनिए, असली हजरात माजी में जो आपने लव अफेयर किए हैं उनकी वजह से आपको बड़े शॉक हुए हैं, आपको बड़े सदमे मिले हैं। ये जो नया अफेयर आ रहा है ये इतना अच्छा है, इतना खुशगवार है कि आप माजी के जो सदमात है वो आप भूल जाएंगे। कोई विश्यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह करे ऐसे ही हो। और आपकी तख्लीकी तरीके पहले ही अरूज पर हैं, आप मजीद अरूज पर आ जाएंगी और आप हफ्ता के आखिरी दिन में जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उस काम का आप जारी रखें। अब मैं आता हूँ इनकी सेहत कैसी है, ये जो बुजुर्ग हैं बुजुर्ग भी होते हैं वो पूछते हैं इस बारे में। कई सालों से सेहत पर असर पड़ा हुआ है, वो सितारा 15 साल से आए हुए हैं तो वो जो अब सितारे के आखिरी दिन है। अच्छा अगले साल मार्च अप्रैल में वो सितारा छोड़ेगा 15 साल के बाद, लेकिन अब मान लीजिए जो सेहत के मामला है ये भी कुछ न कुछ बेहतर होना शुरू हो गए हैं। ठीक होगा। और माली अपना सेहत के मामला के साथ साथ उनका जो कैरियर है उस पर भी बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ था, वो भी अब ठीक हो जाएगा। अच्छा लियो वाले लोग अगर पॉलिटिक्स में हो तो वो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं? वो पॉलिटिक्स में सही है। अच्छा। लेकिन ये लियो वालों के लिए अनाक का मसला बना लेते हैं कि हम चुमा दिग्रे ने कि हम जो कुछ है हम ही है, इसकी वजह से सियासत में मैं मारनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये जो ये जो मैं है ये मारनी पड़ती है। मैं कहा मैं सरदारी साहब ने मारी हुई है अपनी, मैं ये जो असली हजरात है ये मैं नहीं मारते। ठीक कह रहे हैं आप, चले सही हो गया। आपकी सेहत जो है वो बहाल होती नजर आती है। ठीक हो गया। पहले कोई दबाव पड़ा है इस पर, आप दूसरों की मदद करते हैं आप जरूर करें। ठीक हो गया। और पहले से ज्यादा करें लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, आपको अपने जात का भी ख्याल रखना चाहिए, अपना आराम और सुकून की भी आपको जरूरत है। उसके बाद जैसे कि हर बुरज के बारे में मैं कह रहा हूँ वो उसकी रुजत हो रही है और इस रुझे से आप किसी नए मंसूबे का सोचेंगे, लेकिन रुझे की वजह से मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप इस नए मंसूबे के बारे में जरूर सोचें। ठीक हुआ। लेकिन बहुत अच्छी तरह सोचें, लगता है ये है कि अतारत की रुझे की वजह से कहीं आपको दोबारा ना इसके बारे में सोचना पड़ जाए। इस मंसूबे को तैयार करने के बाद आपको पता चले कि इसको तो दोबारा नजरसानी इसके लिए नजरसानी चाहिए। ठीक हुआ। तो इस उलझन से बचने के लिए आप कारोबार शुरू करें, मंसूबा बनाएं, लेकिन आप बड़ी एहतियात से ताकि दोबारा ना आपके लिए दर्द सर बने। ठीक हो गया। अब माजे मैजान की तरफ। जी मैजान अभी एक दो बातें गिर गई हैं, बस कर दें फिर फटाफट। और आप पर बहुत ज्यादा काम पड़ गया है, नई जिम्मेदारी पड़ गई है, अगर आप इसके लिए तैयार नहीं है तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक। आपको कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा, आपको कोई मेंटर, आपको कोई टीचर। ठीक हुआ। जो आपसे ये आपकी जिम्मेदारी के बारे में आपको ट्रेन करे। ठीक हो गया। वरना आपसे गलती सजा होने का पूरा इम्कान है, आप अपने अहदे के मुताबिक पूरी पूरी तैयारी करें और अपनी जो आपकी पेशेवराना सलाहियतें हैं जी उनके बारे में अपने आप को तैयार करें। और सुमरी हजरात जो कारोबारी लोग हैं उनको बहुत जल्द माली मौके मिलने वाले। चलिए बाजे मिजान की तरफ। अगला सितारा मिजान, बताएं मिजान के क्या हालात हैं? आप माली तौर पर मिजानी हजरात आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे हालात खुशकिस्मती पैदा होने वाली है। ठीक। उसके साथ साथ आपका किसी से दोस्ताना तलक जो है अभी तक आपका जो तलक था वो दोस्ताना था, इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि ये जो दोस्ताना तलक है ये रोमांस में तब्दील हो रहा है। तो बहरहाल सोच लीजिए, रोमांस अख्तियार
इस दोस्तानी दोस्ताना तल्लुक को रोमानवी मालात आप अगर देना चाहते हैं, रोमानवी लिबास पहनाना चाहते हैं तो सोच लीजिए। उसके बाद अतारत की जो रुजत होने वाली है वो आपके नामे खाने में रुजत हो रही है और उसकी वजह से यह है कि आप ज़हनी तौर पर आप बड़ी उलझन होगी। उसके इसके साथ ये भी है आप अपने औलाद की जो आला तालीम के मामला है उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर आप खुद तालीम हासिल कर रहे हैं, आला तालीम की आपको तलब है तो आपको इस आला तालीम के लिए बहुत कुछ आप सोच समझ की तरफ आ जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश करें। अब मैं आता हूँ अकरब की तरफ। बिल्कुल ओके अकरबी हजरात, आपकी बड़ी दूसरे लोगों से बड़ी मुलाकातें होगी और जो ये मुलाकातें हो रही हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे मैं पहले बताया करता हूँ, कई हफ्तों से बताता चला रहा हूँ, रोमांस इस हफ्ते भी मौजूद है, वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। कैरियर के लिहाज से आपको कोई नया मौका मिल रहा है। जो एहतियात की ज़रूरत है, ये जो रजत आ रही है अतारत की हर बुरज में, ठीक, ज़ाहिर है आपके बुरज में भी आपकी भी अतारत जो है रजत का असर पड़ेगा। आप बेचैनी बेसब्री से काम ना लें। अगर आपने बैंक से कर्जा लेना है तो जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक हो गया, कर्जा मिल जाएगा। और इस सिलसिले में आप बेचैनी का मुजाहरा ना करें। आप एक और बड़ी तब्दीली आने वाली है, आप बहुत ज्यादा आपके रोमानी मामलात हैं, माजी से तलक रखने वाले मौजूदा सब ने आपको घेरे हुए हैं, लेकिन अब आपका मूड ऐसा बन रहा है कि जो रोमानवी ताल्लुकात आपके मियार के मुताबिक नहीं है आप उनको छोड़ देंगे। ठीक हो गया, सही हो गया। बहरहाल वो विश यू बेस्ट ऑफ इट कॉस सजिटेरियस, और आपको अपनी पेशावराना जिंदगी का पहले से ज्यादा एहसास होगा। सजिटेरियस कॉस, बहुत ही माजी बेज में किसी से आपका तलक था वो मुलाकात करने आ रहा आपसे, आपके अंदर आपके जहन दिल दिमाग में जोश खरोश पाया जाता है सफर के मामले में। ये सफर इस वक्त मुमकिन नहीं नजर आता, बहुत सफर करेंगे आप, लेकिन इसके लिए आप इंतजार करें, जब रुजत खत्म होगी तो आपको सफर का मौका मिलेगा और ये सफर लंबा भी आ सकता है। ठीक हुआ। उसके बाद आप ऐसा मूड है आप कोई तफरी मकाम की तरफ जाना चाहते हैं। जो इस दुनिया में बड़े बड़े तफरी मकाम हैं, जैसे कि आबशारों का जिक्र होता है, जैसे कि पार्क का बड़ा जिक्र होता है, तो ऐसे दुनिया में बड़े बड़े अजीब देखने के काबिल जो हैं वो मकाम हैं, आप कुछ उनके बारे में सोच रहे हैं कि मैं सफर करूं और दुनिया के ये जो अजायबात हैं या ऐसे दिलचस्प मकामात हैं उनकी सैर करूं। ठीक, अब आते हैं हम जद्दी की तरफ। बिल्कुल कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन आपको कैरियर के लिहाज से कोई नया मौका आपके हाथ आ रहा है। अच्छा, आप जायदाद के हवाले से प्रॉपर्टी के हवाले से कोई नया काम शुरू करने वाले हैं। ठीक हो गया। लेकिन आप काम जरूर शुरू करें, शुरू करने से पहले आपको हर पहलू पर बहुत ज्यादा गौर करना पड़ेगा। ठीक, ये जो जोजम है अतारत की रुजत आ रही है और ये आपके छठे खाने में, तो इसे आपका सेहत और आपका जो काम है उसके बारे में आप पर ये जो अतारत के रुझे उस पर असरअंदाज होगी। तो आप ये भी हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जो आपको आपको मिलने आएंगे, मुलाकात करेंगे और अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि आप हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे आप सोच लीजिए। ठीक, अब आते हैं हम एक्वेरियंस। एक्वेरियंस आपका पूरा हफ्ता, आपका पूरा हफ्ता रोमानी मामलात से उमड़ उमड़ कर रोमानी मामलात आपको खुशगवार तरीके से पेश आने वाले हैं। आपके माजी में किसी से बहुत बड़ा तल्लक रहा है वो फिर दोबारा आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है, आप सोच लीजिए। उसके बाद आप अगर वो आपसे रब्ता करे आप भी उस शख्स की कदर करें। अच्छा, इन रोमानी मामला में तेजी ने दिखाए, रोमानी मामला में हर कोई आदमी बेचैन बेकरार होकर आगे बढ़ता है, आप जरा एहतियात से काम लें। रोमानी मामला है, जब आ चुके हैं तो जरा सोच समझ के कदम उठाएं। ठीक, उसके बाद पेशावराना तौर पर आप अपनी राय कायम न करें, किसी से मशावरत करें, ऐसे शख्स से मशावरत करें जो आपकी जिसकी आप बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। ठीक, और ये आप इस हफ्ते करते नजर आते हैं और बड़े ध्यान से जब इतना सब्र किया है तो मजीद सब्र से काम लें। पर्सनल लाइफ कैसी है इनकी, फैमिली लाइफ? फैमिली लाइफ उनकी जो है उलझी पड़ी है, उसमें कुछ ना कुछ ये 3 सालों से उलझी हुई है। कोई ऐसा मसला है जो कभी कभी दब जाता है, बजाय ऐसा लगता है सब ठीक है लेकिन मसला नीचे मौजूद है। ओए होए। और ये 3 साल और रहेगा, अब आप कहें ओए होए। ओए होए। क्योंकि 3 साल और रहना है इसने। ओए होए। तो उसके बाद ठीक हो गया। और इनकी सेहत कैसी है? सेहत जो है वो खास तौर पर इस हफ्ते भाई आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। अच्छा, क्योंकि आपके सेहत का मसला है, आप पर काम का दबाव है। अच्छा, आपको बहुत नींद की जरूरत है, रेस्ट करें और ये सब आने वाले हफ्ते में पूरा रेस्ट करें। अच्छा, ताकि आपकी सेहत का मसला जो है आप अपनी सेहत के मामले में ठीक हो गया। हाँ जी, अब मैं आता हूँ आपके बुरी की तरफ, जिनको जो हमेशा हमसे नाराज रहते हैं। हाँ जी, आज हम इनको टाइम देना सही। तो होती है खुशखबरी,
आपको बहुत अच्छे दिलचस्प मौके मिल रहे हैं, पूरा आपका आपको मुलाजमत के हवाले से बहुत अच्छा मौका आ रहा है माशाल्लाह, या किसी बहुत ही बड़े लोगों से, अमीर लोगों से आपको बहुत बड़े मंसूबे पर काम शुरू करने वाले हैं। जैसे कि हर बोले के साथ मैंने जिक्र किया है, अतारत जो है उसको रजत हो जाएगी, ये आपके घर में इसको रजत हो रही है, आपके चौथे खाने में इसको रजत हो रही है। तो आपको रजत के वक्त अपने घर के बारे में आप पूरी तवज्जो देंगे, सोचेंगे कि घर को किस तरह बेहतर बनाया जाए, ये तो अच्छी बात, घर को किस तरह मरम्मत की जाए। लेकिन ये जो आपने मरम्मत करनी है, भाई सोच समझ के करेंगे, ऐसा ना हो कि अतारत की वजह से कोई आपसे गलती हो जाए, अतारत की रेट्रोगेशन की वजह से आपसे गलती हो जाए और आपको दोबारा ना काम करना पड़े। मुश्तरी कल से, कल परसों से आपके खाने माल में दाखिल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है आपका। तो आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माली तौर पर आपको खुशकिस्मती होने वाली है, लेकिन ये भी नज़र आता है कि आप खुशकिस्मती के साथ साथ पैसा खर्च करते भी नजर आते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस विद एवरीबॉडी। इनकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ कैसी है? फैमिली लाइफ जो है मैंने जिक्र किया, लव लाइफ अच्छी है, घरेलू जिंदगी की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं कम से कम इस हफ्ते। चलिए अच्छी बात है, सही हो गया।